बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप के आप सब खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी देख रहे होंगे। मेरी कोशिश होती है कि इफ़ेक्टफुल वीडियोस आपके साथ शेयर किया करूं। काइंडली इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे अपडेट्स एट अ टाइम आप सबको मिलते रहें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो डायरिया या मोशन वगैरह से रिलेटेड है। सम टाइम होता है बच्चों को भी लग जाते हैं मोशन, बड़ों को भी, बुज़ुर्गों को भी लग जाते होते हैं। तो कोई ऐसी परेशानी वाली, इशू वाली बात नहीं है, आप घर के ऊपर इजीली रेमेडी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अनार के छिलके चाहिए होंगे, घर के ऊपर इजीली अवेलेबल होते हैं। ग्रोसरी की शॉप से भी अनार के छिलके आपको मिल जाते होते हैं। बेस्ट ये है कि अनार सबके घरों में आते हैं, तो आप छिलकों को वॉश आउट करके तो ड्राई करके रख लें। इसमें सेकंड आपको चीनी चाहिए होगी और पानी भी चाहिए होगा। ठीक है, बहुत अच्छी रेमेडी है, इसके बहुत बेस्ट इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखने में पानी आपके सामने ऐड कर रही हूँ। रिक्वायरमेंट इसमें ऑलमोस्ट मैं 2 ग्लास पानी के इक्वल यूज़ करूँगी, कम लगा तो और ऐड कर लूँगी। अनार के छिलकों को घर के ऊपर आप ड्राई कर लें, साफ़ करके वॉश आउट करके ड्राई करके तो किसी जार में सेव करके रख लें। ठीक है, तो एट अ टाइम जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको कहवा बना कर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का छिलके का पीस ऐड कर दिया है। पानी मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है पानी। ठीक है, अब ये है कि इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी चाहे आप बाद में उसमें कप में डालकर कहवे को कप मिक्स कर लें या फिर साथ ही इसमें ऐड कर लें जब ये कुक होने लगेगा। ठीक है, पकाएंगे ना जब, चीनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने यूज़ करनी है, जितना आपका अपना टेस्ट है। इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए मैं बॉईल होने के लिए टाइम दूंगी। ठीक है, 10 से 15 मिनट्स ये सही तरह से जोश आएगा, इसको उबाली आएगी, बॉईल हो जाएगा तो फिर इसको मैं उतार लूँगी। ये देख रहे हैं आपके सामने ही रखा हुआ है, इसमें जोश आ गया है, बॉईल सही तरह से हो रहा है। कलर भी इसका देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल आपको नज़र आ रहा होगा, चेंज हो गया, बहुत अच्छा कलर आया है। बस इसको रिंग गर्म होने के लिए रख देंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, कप में ऐड कर लेंगे। कप में स्पून मैंने पहले से इसलिए रखी है कि हमारा एक कप सेट के साथ का क्रैक हो गया था। इसकी सिंपल रेमेडी है कि स्पून आप बीच में रखें, फिर कोई भी गर्म गर्म चीज़ आप इसमें चाय या कहवा वगैरह, ग्रीन टी वगैरह डालें तो नहीं क्रैक होगा कप। कप हो गया, ग्लास हो गया, जो भी चीज़ हो गई वो क्रैक नहीं होती। फिर ये देख रहे हैं आपके सामने ही मैं ऐड करूँ, बस पॉट बाउल जो मैंने है एक यूज़ किया है, क्वार्टर टप कप जितना। ठीक है, क्वार्टर कप आपको चाहिए होगा। इसमें आप नीम गर्म पियेंगे और आधे घंटे पौने घंटे तक ऊपर से आपने कुछ नहीं खाना पीना है। जिनको भी बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, जिनको भी मोशन लगे हैं, इसके लिए बेस्ट इफ़ेक्ट है, बेस्ट रेमेडी है। बहुत अच्छा इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी एट अ टाइम इसका आता है। दिन में आपने 3 से 4 बार या 2 से 3 बार आपने यूज़ करना है इस कहवे को। बनाएं, बनाकर फ्रेश एट अ टाइम यूज़ करें, बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता होता है। आपके सामने ही पीकर भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, मैं भी पर्सनली तौर पर इसको पीती होती हूँ और इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अनार के छिलकों से रिलेटेड और भी रेमेडीज़ हैं, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आप पिएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बस ये है कि आपने चीनी यूज़ करनी है, नमक बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी रेमेडी है, आप बताइएगा मुझे, बनाइएगा, पिएगा और फिर मुझे रिज़ल्ट भी बताइएगा कि कितना आपको इसका रिज़ल्ट फील हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।